सो गाइस देखो हम लोग का आज का लाइन अप NS तीनों चारों नेकेड बाइक NS डिग 250 खतरनाक BS4 Gen 3 Gen 2 सोच। और देखो ये देखो रोला जमाते हो गया बे। जस्ट चिल ब्रो। गाइस अभी फिलहाल हम लोग का ये चिकन पकौड़ा आ गया है और ये दोनों का देखे दोनों चूतिया एकदम एक ही जैसा लग रहा है। और ये रहा हम लोग का हेलमेट वगैरह रखा हुआ है। अभी आलू पराठा वगैरह आएगा। फिलहाल हम लोग खाना वाना खा लेते हैं। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। सब बढ़िया होंगे। तो आज भाई इधर से ही सब आए गए हैं। बोले तो इधर से आएंगे हाईवे तरफ से सब चढ़ गए हैं। हम डायरेक्ट इधर से ब्लॉग बनाएंगे आज को। कहा बोले ये लोग का चक्कर में जाते हैं ना तो पूरा रात ही हो जा रहा है हर जगह, इसी वजह थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और का नाम है डायनामो भी ले लिया मस्त एकदम 250 BS4 रॉ पावर। बोले तो रॉ पावर इंजन, बोले तो परफॉर्मेंस बवाल वाला। कंडीशन सॉलिड है। मतलब कंडीशन जो है ना अलग लेवल वाला है, मस्त लग रहा है जो लग रहा है ना कंडीशन हेवी। उसके बाद दूसरा 35,241 किलोमीटर चला हुआ है, 1,18,000 प्राइस लगा, ले लिया। भाई ये बताओ अब प्राइस में कैसा लगा, ठीक है कि नहीं? अगर प्राइस में अच्छा हुआ तो भाई ज़रूर बताना। 250 BS4 1,18,000। इससे आगे कुछ बोलेंगे नहीं, बाकी बात आप लोग गाड़ी देख लिए होंगे। देखो भाई ब्लैकी उमेश दल्ले। नाइट में भाई क्या ही व्यू आएगा, सिर्फ जो गाड़ी का लाइट वगैरह आएगा, मीटर वगैरह जो लगता है वही सब आएगा, इसका छोड़कर कुछ आता नहीं है। कहाँ बोल रहा? नहीं, हमको भाई ग्रुप राइड मस्त लगता है, सोलो राइड भाई उतना मज़ा नहीं आता। ग्रुप राइड जो मज़ा आता है ना सोलो में नहीं आता। आई ट्राई ब्रो। चलो भाई नाइट का राइड मजा तो आएगा ही आएगा। अरे भूतनी का बोला थोड़ा पीछे रह गया। लोग पीछे आए होंगे भाई, देखना पड़ेगा उन लोग को भी। हम आगे आ जा रहे हैं, पूरे आ जा रहे हैं आगे, तो पूरे आगे आ गए भाई। मजा आ गया। ओह बोलेरो पट्टे भाई। राइड पे थोड़ा मतलब थोड़ा एग्रेसिव रहता ना मज़ा आ जाता है। ठंडा का मौसम है भाई, ज़्यादा एग्रेसिव भी सही नहीं है, हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। तो वही हिसाब से थोड़ा उमेश लोग को भी ध्यान देना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि भाई वो तीनों पीछे है। उमेश भी पीछे है और क्या बोलता है कृष्णा भी पीछे है, डायनामो भी पीछे है। क्योंकि डायनामो भाई अभी नया नया बाइक लिया है उसके लिए, तो भाई अभी हाथ वगैरह नहीं बैठा है। अगर हाथ वगैरह बैठेगा बस बंदा एकदम आग लगा देगा, इतना कंफर्म पता है। जुगली पेट्रोल पंप एंटर करने वाले हैं, क्योंकि भाई जुगली पेट्रोल पंप में पूरा लाइटिंग का लगा दिया, पूरा लाइट लगा दिया। देखो भाई क्या ही लगता है, देखो सॉलिड लग रहा है भाई।
ऐसा अगर पूरा रोड रहेगा ना मज़ा आ जाएगा भाई रात का ब्लॉग में। अगर थोड़ा भगा लेगा सोच रहे हैं ना, नहीं छोड़ आने देते हैं उमेश लोग को, फिर और पीछे रह जाएगा भाई। आसानसोल इंजीनियरिंग कॉलेज। सो गाइस उमेश लोग अभी तक नहीं आया। और देखो ये देखो रोला जमाते हो गया बे, गाड़ी गाड़ी। सो गाइस तेल भरा रहा था या सब नहीं नहीं यहाँ पर थोड़ा भाई कुछ खाया जाए हल्का फुल्का। डायनामो खर्चा करेगा, डायनामो का बोलेंगे मस्त एकदम। आगे कर देना, आगे खड़ा खड़ा कर देना, यहाँ पर खड़ा कर। कहाँ पर लगा, वहाँ लगेगा स्कीम वहाँ का एकदम पूरा दम। के टी एम है, के टी एम भर दिया बे। रुक अब मेरा 390 लेने दे, चलो सबका रख रख देंगे, धर कुछ देंगे। देखो हम लोग का आज का लाइन अप NS तीनों चारों नेकेड बाइक, NS DIG 250 खतरनाक, BS4 Gen 3 Gen 2। सोच रहे हैं भाई आज जलवा ही जलवा हो जाता, अगर दिन हो जाता तो मज़ा आ जाता भाई। आज यहाँ पर खिलाएगा डायनेमो, मज़े मज़े। चलो भाई देखा जाए। गाइस अभी फिलहाल हम लोग का ये चिकन पकौड़ा आ गया है, और ये दोनों का देखे दोनों चूतिया एकदम एक ही जैसा लग रहा है। और ये रहा हम लोग का हेलमेट वगैरह रखा हुआ है, अभी आलू परोठा वगैरह आएगा। फिलहाल हम लोग खाना वाना खा लेते हैं। हम तीनों भाई ना छोड़ छोड़ो बाद में बोलेंगे, अभी नहीं। तो भाई अभी खाना वाना जो डिनर वगैरह रहता है वो थोड़ा हल्का फुल्का कर लेते हैं। ये चिकन पकौड़ा वगैरह आ गया है, इसके बाद आपका क्या बोलता है वो जो आलू भरा परोठा मंगाए हैं वो आएगा भाई। हम लोग खाना बस थोड़ा कुछ हल्का फुल्का खा के निकल जाएंगे यहाँ से घर के लिए। सो